हे गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। ये वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के सीरियल इमली के बारे में। तो गाइस, इमली स्टार प्लस के लॉन्ग रनिंग शोज में से एक था और आज आपने इसका जो रीसेंट एपिसोड देखा है वो इसका लास्ट एपिसोड था। कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते थे कि इमली शो बंद होने वाला है, इमली शो ऑफेयर जाने वाला है और अब इसका लास्ट एपिसोड देखने के बाद इसी चीज़ को सर्च कर रहे होंगे। तो गाइज़, उनको मैं बता दूं कि इमली सीरियल बंद हो चुका है और इसका अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड 1177 आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज जो आपने एपिसोड देखा यही एंडिंग थी सूर्य और इमली दोनों के कैरेक्टर्स की और ये सीरियल को ख़त्म कर दिया गया है। आखिर इतना पॉपुलर और हिट सीरियल जो कि 1000 एपिसोड से ज़्यादा कंप्लीट किए हैं, क्यों इसको बंद किया गया, आइए जान लेते हैं। तो गाइज़, इमली को बंद करने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि इसकी टीआरपी रेटिंग पिछले कई महीनों से लो रही है और 2.0 के मार्क को टच नहीं कर रही थी और यही मेन रीज़न है कि स्टार प्लस अपने 8:30 बजे वाली टाइम स्लॉट पे नए नए शोज लेकर आना चाहता है और चाहता है कि 2 के मार्क को टच करे। आईपीएल के शुरुआत होने से पहले वाले समय में इमली को मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंशंस दी गई हैं और मल्टीपल टाइम्स ऑफेयर के खतरे में जाने के बाद इमली उससे बाहर भी आया अपनी टीआरपी में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स लेकर आने के बाद। लेकिन फिर आईपीएल आ गया और आईपीएल के बाद तो इस तरह की टीआरपी नीचे गई कि वो फिर से ऊपर भी नहीं आई जब तक आईपीएल चल ही रहा था। और आईपीएल के चलते चलते ये डिसीज़न ले लिया गया कि अब बहुत हो गया और इमली को बंद कर दिया जाए और 8:30 बजे पे कोई नए सीरियल को लेकर आएँ। बिकॉज इमली सीरियल की जो टीआरपी रेटिंग है वो इतनी डाउन चली गई थी आईपीएल के चलते हुए, जैसे कि 1.3 1.4 इसके अराउंड आ रही थी। और मेन चीज़ ये है कि आईपीएल के आने से पहले भी मल्टीपल टाइम्स इमली की टीआरपी इतनी नीचे गई है। तो यही रीज़न है इमली को बंद करने के पीछे का और यही रीज़न है कि इसका अगला एपिसोड नहीं आएगा और इसको यहीं पर बंद कर दिया गया है। आज इमली और सूर्य के कैरेक्टर्स को एक हैप्पी एंडिंग दे दी गई है ताकि फैंस भी सेटिस्फाइड हो सके और इनकी कहानी को कम्प्लीट कर दिया गया है। अगर हम बात करें इसके नए सीज़न को लेकर तो गाइस, नए सीज़न की कोई भी प्लानिंग फ़िलहाल के लिए नहीं करी गई है, लेकिन बिकॉज ये एक हिट सीरियल है तो मे बी आप अगर डिमांड बहुत अच्छी करें तो स्टार प्लस का कोई ऐसा मन बने आने वाले सालों में इस शो को कभी वापस लेकर आने का। लेकिन फिलहाल के लिए सीज़न 2 पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ना ही मेकर्स ने डिसाइड किया इसके नए सीज़न को लेकर आने का, ना ही चैनल वालों ने मेकर्स के साथ इसके बारे में बात करी है। तो शो को यहीं पर एंड कर दिया गया है एंड एटलीस्ट अभी के लिए तो नए सीज़न का भी कोई भी स्कोप नहीं है। बात करें कि इसको रिप्लेस कौन सा सीरियल करेगा, तो अभी के लिए कोई नया शो नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी के लिए ये किया जाएगा कि इसके पिछले और इसके अगले सीरियल को 45 मिनट्स का कर दिया जाएगा। घूमें किसी के पैर में के एपिसोड्स भी 45 मिनट्स के आएंगे और उड़ने की आशा के एपिसोड भी 45 मिनट्स के आएंगे। तो वो शोज़ की टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा और इमली की कमी को वो पूरा करेंगे। और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ हफ्तों के बाद नए शो स्टार प्लस पे आने वाले हैं, उन्हीं में से कोई एक 8:30 बजे की टाइम स्लॉट ले लेगा नॉर्मली और वो वाले शोज़ की टाइमिंग फिर से कम कर दी जाएगी। तो आपको सब समझ आ ही गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा, इमली सीरियल को बंद करके स्टार प्लस ने सही किया या फिर गलत किया। स्टार प्लस के आने वाले सारे अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।